गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद थाना क्षेत्र में 19 अगस्त 2022 को गुप्त सूचना पाकर चेमरो लेट वाहन की तलाशी में अवैध शराब की खेप बरामद हुई। वाहन में कुल 7 तस्कर सवार थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ विधि समस्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। अवैध शराब तस्करी की सूचना पाकर बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में एएसआई मिथुन रजक व सशस्त्र बलों ने वाहन जांच शुरू की, जिसके क्रम में चेमरो लेट वाहन JH01P2076 पकड़ी गई। उपरोक्त जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एसडीपीओ गिरिडीह अनिल कुमार ने मीडिया वालों को दी। उन्होंने यह भी कहा कि नकली अवैध शराब की तस्करी बिहार में करने की गुप्त सूचना 19 अगस्त को दिन के 9 बजे प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर बेंगाबाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर गुठिया गांव के पास यूनुस अंसारी गैरेज के पास वाहन चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान करीब 10 बजे दिन में विसुनपुर की तरफ से आ रही एक वाहन को तेजी से आता देख उस गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो वाहन चालक ने गाड़ी खड़ा कर दिया। वाहन का जांच किया गया तो वाहन में कुल 6 लोग सवार थे। वाहन की गहराई से तलाशी लेने पर उक्त वाहन के बैक लाइट के अंदर डैशबोर्ड को तोड़कर बने बक्शानुमा जगह में रखा हुआ अवैध नकली अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। उक्त शराब के कागजात मांगने पर कोई कागजात उपलब्ध नहीं करवा सके। पूछने पर बताया कि उक्त शराब अवैध एवं नकली है तथा इसे खपाने के लिए बिहार ले जा रहे थे। पूछताछ में बताया कि इनका मुख्य सप्लायर धनबाद का है, जिसे शराब लाकर देने वाला व्यक्ति धरियाडी निवासी सोएब अख्तर राइन है। इन लोगों के निशानदेही पर उसके भी गिरफ्तारी की गई है। शराब को बिहार के नवादा जिला में खपाने का काम किया जाता है। वहां भी इनके ग्रुप का सदस्य ग्राहकों को खोजता है तथा काफी ऊंचे दामों में अवैध नकली शराब बेचने का कार्य करता है।